अयोध्या विवाद पर चल रही समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, यानी कि एक बार फिर से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला इसी अदालत से, देश की सबसे बड़ी अदालत से होना है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटनाक्रम के मद्देनजर अब इस भूमि विवाद की 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदू और मुस्लिम पक्षकार इस पेचीदा भूमि विवाद का समाधान खोज नहीं सके। दरअसल संविधान पीठ ने 18 जुलाई को मध्यस्थता समिति से कहा था कि वो अपनी कार्रवाई के परिणामों के बारे में 31 जुलाई या 1 अगस्त तक कोर्ट को सूचित करे, ताकि इस मामले में आगे बढ़ा जा सके। न्यायमूर्ति खलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से पिछले 9 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, मगर इस बीच में समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब देशवासियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या राम मंदिर के या फिर बाबरी मस्जिद के। कैमरा पर्सन राघिब के साथ जब्बार खान, R9 TV।